चलिए आप ये बताइए, आप ये बताइए संजीव श्रीवास्तव, इससे बड़ा चौंकाने वाली बात क्या हो सकती है कि आज इतने दिन बीतने के बाद, 14 दिन बीतने के बाद, पूरा देश, पूरी दुनिया, खुद सुप्रीम कोर्ट, सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस केस पर नजर गड़ा के बैठी हुई हैं, और ऐसे माहौल में कुछ वकील आकर के कोर्ट में कहते हैं कि डॉक्टरों को बंगाल में डराया धमकाया जा रहा है, इतना फोकस होने के बावजूद। देखिए पद्मजा जी, ये तो पूरा मामला ही जिस तरह से फोकस में है और सबका ध्यान इस पे आकर्षित है, उसका कारण भी बड़ा स्पष्ट है कि ये अपने आप में इतना दुर्भाग्यपूर्ण और इतना, जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है, ऐसा केस है। और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे वेस्ट बंगाल पुलिस और सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड से हम सब परिचित हैं, वहाँ इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, चाहे वो चुनाव के बाद का वायलेंस हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, चाहे महिला सुरक्षा की स्थिति हो। तो ये एक वीक विकेट है ममता बनर्जी का बहुत ज़बरदस्त, जिसपे एक बार फिर इस केस की वजह से बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित हुआ है। लेकिन बस एक जो बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा इसके साथ साथ जुड़ी हुई, कि जो TMC के आप अपने उसमें बता रही थी प्रस्तावना में या इंट्रो में, कि जो दूसरे अन्य मामले हैं देश में, अब आज ही मध्य प्रदेश में एक किसी मुस्लिम नेता कांग्रेसी बैकग्राउंड के का बड़ा ज़बरदस्त घर, मैंने तो ट्विटर पे देखा था अभी एक डेढ़ घंटे पहले, इतना आलीशान मकान तोड़ा गया है, कौन से प्रोटेस्ट रैली में, वो भी आरोपी थे। तो ये सब जो केसेस हैं, मोहित खान का, से जस्टिस मोहित खान का अयोध्या में तोड़ा गया, एक किस्म की सरकार, तो समाजवादी पार्टी के जो नेता, ये सारे केसेस, मतलब इस हमारा जो यहाँ पे इस अटेंशन है वेस्ट बंगाल के इस केस पे कलकत्ता के, ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो बाकी केसेस पे अटेंशन नहीं है वो बिल्कुल गलत है। नहीं नहीं, बिल्कुल होना चाहिए सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बदलापुर में क्या हुआ, बदलापुर में प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठियां क्यों चलाई गई, उसका भी स्वतः संज्ञान खुद बॉम्बे हाई कोर्ट ने लिया है। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या पॉक्सो का केस हुआ, क्या 164 के अंदर उनका बयान लिया गया, वो सब मामलों पर भी फोकस किया जाना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है करण वर्मा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब क्या किया है, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिख दी है और कहा है कि महिला अपराध के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाए, रेप केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाए और 15 दिन के अंदर ही ट्रायल पूरा हो जाए। देश में रेप के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ये होना भी चाहिए करण वर्मा, पर जो खुद सरकार की जिम्मेदारी है, कानून तो कितने ही आ जाएंगे, कानून तो हजारों बन जाएंगे, पर अगर राज्य की पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन ही ठीक तरीके से नहीं करेगी तो कानून का क्या फायदा। पद्मजा जी, इस चिट्ठी को देख के मुझे बस यही चीज याद आ रही है कि 100 चूहे खाके बिल्ली हज को चली। ममता बनर्जी की सरकार ने जो बेशर्मी दिखाई है इधर बीते दिनों में, जिस तरह से हम जब बात करते थे, जो लोग आराम से कई बार बोल देते हैं ना, फांसीवाद आ रहा है और लोकतंत्र खतरे में है, ये होता है फांसीवाद जो आज हम देख रहे हैं बंगाल, जहां पुलिस एक तरह से काम करती है संरक्षण देने का। संदीप घोष जो प्रिंसिपल है, मैंने अभी अभी खबर पढ़ी, उसको अब OSD बना दिया गया है। पहले उसको प्रमोट करके एक दूसरे कॉलेज में प्रिंसिपल बनाया गया, अब उसको OSD बना दिया गया स्वास्थ्य विभाग के अंदर। क्या जानता है ऐसा संदीप घोष जो बार बार उसका संरक्षण कर रही है ममता सरकार। पहले सबूत मिटाए गए, सत्य को दबाया गया, प्रताड़ित किया गया, 7,000 लोगों का एक मॉब खुला छोड़ दिया, फिर कहा ये राम और वाम लोगों ने मिलकर ये काम किया है। उसके बाद 21 वकील लगाए जाते हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं तगड़े कि वो सरकार की रक्षा करें, ना कि पीड़िता के साथ खड़े हों, सरकार की रक्षा करें, और वो हंसते हैं। मतलब संवेदनहीनता की एक बेशर्मी की हद पार कर दी है इस सरकार ने। और राहुल गांधी कहते हैं ये एक डिस्ट्रैक्शन है, जब उनसे RG का रेप केस की बात करी जाती है, कहते हैं मैं बड़े मुद्दों पे फोकस करना चाहता हूं, ये एक डिस्ट्रैक्शन है। कम से कम अधीर रंजन चौधरी, ये कांग्रेसी है जिसने कम से कम रीढ़ की हड्डी दिखाई, वहां पर खड़े होकर प्रोटेस्ट में शामिल हुए, वो उनको इन लोगों ने साइडलाइन कर दिया, मल्लिका अर्जुन खड़गे और कांग्रेस ने। ये हैं वो लोग जो बात करते हैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये हैं वो लोग जो महिला सुरक्षा की बात करते हैं। आज इनका शर्म से सर नीचे झुक जाना चाहिए। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सबने कहा हमने ऐसा कुछ आज तक कभी देखा ही नहीं है। इतनी आपने चीजें जो गिनाई, और ममता बनर्जी का ये हौसला बुलंद होता गया पद्मजा जी। 2021 में हम लोगों ने पोस्ट पोल वायलेंस में देखा, जहां रेप एंड सेक्सुअल सप्रेशन यूज किया गया, GIA की रिपोर्ट में था ये, NHRC ने ये बात बोली।
इन्होंने जब एक रेप हुआ था तो इन्होंने कहा था क्या ये एक लव अफेयर था जो गलत चला गया। विक्टिम शेमिंग से लेके पोस्ट पोल वायलेंस से लेके पंचायत पोल्स में डेथ्स तक ममता बनर्जी का घड़ा पापों का बढ़ता ही चला गया। नहीं, करण वर्मा सिर्फ अधीर रंजन चौधरी ही नहीं, कई ऐसे प्रवक्ता भी हैं, जैसे कि अभी मीता चक्रवर्ती ने टीवी पर आकर के बोला, पर जो शीर्ष नेतृत्व है वो ममता बनर्जी का नाम भी नहीं लेंगे क्योंकि पता नहीं है कि कब अगली रैली हो जाए रामलीला मैदान में, जहां हाथ में हाथ डाल करके मोदी सरकार को फांसीवादी बुलाना पड़ जाए। पर एक बार फिर से याद दिलाती हूं और आपसे पूछूंगी मैं दिनेश बजाज जी कि ममता बनर्जी आज कह रही हैं कि सख्त कानून बनाया जाए, डॉक्टर आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला? मैं फिर से अपने दर्शकों से पूछना चाहती हूं कि लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था के बारे में ये क्या कहता है? अगर इतना इतना फोकस किसी केस के ऊपर होने के बावजूद भी कुछ लोगों में इतनी हिम्मत है, उनको इतना संरक्षण है शायद राज्य का, सरकार का, कि वो जा करके प्रदर्शनकारियों को, डॉक्टरों को जा करके धमका रहे हैं। आज क्या बोला इन डॉक्टरों के वकील, उन्होंने गीता लूथरा ने आज आकर के सुप्रीम कोर्ट के सामने बोला कि हम सील्ड कवर में आपको उन डॉक्टरों के नाम देंगे जो इतने डरे हुए हैं कि वो अपने घर भाग गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन के लोग डॉक्टरों को डरा रहे हैं। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने बोला कि आप हमें बताइए कौन है लोग जो कि धमका रहे हैं, तो गीता लूथरा ने बोला अस्पताल के लोग और गुंडों ने डॉक्टरों को निशाना बनाया है। दिनेश बजाज जी, इस पे तो कम से कम चुप्पी तोड़िए, हर चीज का जवाब ये नहीं कह सकते हम कोर्ट को जवाब देंगे, कोर्ट को जवाब देंगे। आप तो जिसको कहते हैं ना, आप बिल्कुल दमन पे उतर आए कि मुंह खोलोगे तो तुम्हें हम चुप करा देंगे, कोर्ट सुनवाई करता रहे। ये ऐसी कोई घटना हमारे संज्ञान में तो ऐसी आई नहीं है। अरे सर, आज कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बोला गया, आपके संज्ञान में कैसे नहीं बोला गया? लेकिन क्या प्रमाण है उसका? क्या प्रमाण है? डॉक्टरों ने सील्ड कवर में, वो झूठ बोल रहे हैं डॉक्टर? देखिए, एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए, आपकी बात मैंने सुनी है। यदि हमें कुछ धमकाना होता या हमारे लोगों को किसी को धमकाना होता तो हम उसके माँ बाप के घर पे हमारे मुख्यमंत्री जी क्यों जाती? क्या उनको डराया धमका गया आज तक? आप बताइए, किसी विक्टिम के घर में जाना और प्रत्यक्ष दर्शियों को धमकाना, दोनों में क्या कनेक्शन है? डॉक्टर्स आर नेक्स्ट टू द गॉड, वो हमारी लाइफ बचाते हैं। वो तो हम जानते हैं सर, वो तो हम सब जानते हैं। धमकाने क्यों जाएंगे? दोनों का क्या कनेक्शन है? आज इतने दिनों से